नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड के लिए खुट्टी में महारैली, अलग कोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। सरना धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में रविवार को खुट्टी के कचहरी मैदान में विशाल सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया। खुट्टी के विभिन्न मार्गों से सरना धर्मावलंबियों का जत्था झंडा, बैनर, तख्ती और पोस्टर के साथ खुट्टी कचहरी मैदान पहुंचा। यहां विशाल महारैली हुई जिसमें सरना धर्मावलंबियों को सरना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भगवान शिवबोगा की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महारैली को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि सरना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार सरना धर्म कोड तथा आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सरना धर्म कोड के अभाव में न केवल आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक एकता टूटी है बल्कि सरना धर्म पर लगातार आक्रमण और अतिक्रमण हो रहा है। धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की धार्मिक तथा सामाजिक एकता कमजोर हो रही है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र सरना धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल करे। वहीं सोमा मुंडा ने कहा है कि आजाद भारत में सरना धर्मावलंबियों को अलग सरना धर्म कोड देना एक क्रूर मजाक तथा मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात है। वर्ष 2011 की जनगणना में सरना धर्मावलंबियों की संख्या 50 लाख से अधिक अंकित होने के बावजूद अन्य के अंतर्गत रखा जा रहा है। झारखंड में कभी भी लग सकता है राष्ट्रपति शासन, सरजू राय। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक सरजू राय के दावे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सरजू राय का कहना है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। सरजू राय शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार संविधान के प्रतिकूल काम कर रही है। एक ओर सरकार दावा कर रही है कि सब ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार अगर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे तो इसमें कोई अचरज नहीं है। राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। संविधान के नियमों के विरुद्ध जाकर सरकार चलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार का बने रहना उचित नहीं होगा। पहले गांडे विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सीएम की प्लानिंग का हिस्सा है। जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन की पत्नी बन सकती है नई सीएम, अंजलि। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाने की अटकलों पर भले ही फिलहाल के लिए विराम लग गया हो, लेकिन अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है। इस बारे में जब हेमंत सोरेन की बहन से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह जरूर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में अंजलि सोरेन से पूछा गया था कि अगर ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो क्या उनकी पत्नी सीएम पद सौंपा जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए अंजलि सोरेन ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती है। हमारे पार्टी के पास अन्य सदस्य भी हैं। आखिरी फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। मैं पुष्टि के साथ आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बनाई जा सकती है। झारखंड में भारतमाला परियोजना पर ब्रेक। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोक लगा दी है। केंद्र के इस फैसले से झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी नए काम के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं की जाए। यह स्थिति टेंडर के लिए CCEA से स्वीकृति मिलने तक बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने यह निर्णय चालू और अगले वित्त वर्ष के बजट पूर्व पुनरीक्षित खर्च पर चर्चा के लिए बनी समिति की बैठक में लिया है। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। 11 साल में हिट एंड रन के 2200 केस, सिर्फ 33 दोषी, 98% बरी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में सजा बढ़ाए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून के तहत दुर्घटना स्थल से भागने व घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था। ऐसे में राजधानी रांची में हिट एंड रन से संबंधित मामले की पड़ताल की गई, जिसमें पता चला है कि रांची सिविल कोर्ट में हिट एंड रन से संबंधित पिछले 11 साल में 2200 से अधिक मामलों में फैसला आया है। इसमें से 33 मामलों में ही आरोपी को दोषी पाया गया। करीब 98% मामले के आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। मामले के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जा रहे हैं।
बीआरपी सीआरपी ने दिया रांची कूच का अल्टीमेटम। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी सेवा शर्त नियमावली 9 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में पास नहीं हुई तो राज्य भर के बीआरपी सीआरपी आंदोलन करेंगे। वे सभी अपने अपने जिलों से रांची कूच करेंगे। रविवार को संघ की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय कमेटी के सदस्यों के साथ रांची जिला कमेटी, लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, धनबाद, बोकारो और अन्य जिला के लोग उपस्थित हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अगर 9 जनवरी को होने वाली कैबिनेट में बीआरपी सीआरपी के संबंध में सेवा शर्त नियमावली की अनुशंसा नहीं की जाती है तो आगामी सप्ताह में बृहत आंदोलन किया जाएगा। महासचिव नितिन कुमार ने कहा है कि पिछले 18 सालों से बीआरपी सीआरपी का शोषण हो रहा है। झारखंड के 1821 स्कूलों में इंटरनेट के साथ आईसीटी लैब बनेंगे। नए साल में सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब की सुविधा बढ़ेगी। 1821 विद्यालयों में नया लैब स्थापित किया जाएगा। इस कार्य को अप्रैल 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2023-24 में स्वीकृति 1821 में से 1274 प्राथमिक विद्यालय और 43 मध्य विद्यालय शामिल है। इसके अलावा 22-23 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में स्वीकृति, 221 और 283 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। जिन स्कूलों में आईसीटी लैब बनाए जाएंगे वहां इंटरनेट सुविधा भी बहाल की जाएगी। नए सत्र में आवंटित लैब निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वित्त रहित संस्थानों में 10 को हड़ताल। वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेज के अनुदान में बढ़ोतरी की अनुशंसा एक बरस से स्कूली शिक्षा व सक्षरता विभाग में लंबित रहने पर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का ऐलान किया है। 9 जनवरी को मोर्चा 3 गुना अनुदान लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा। वहीं 10 जनवरी को 1250 संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल रहेंगी। इस दिन कर्मचारी उपवास रखकर स्कूल कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मोर्चा ने रविवार को इस पर आपात बैठक की है। मोर्चा के कुंदन कुमार सिंह और रघुनाथ सिंह ने बताया है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव मांगा था। सचिव ने कमेटी का गठन किया और 1 माह में अनुशंसा मांगी थी। दिसंबर 2022 में कमेटी की बैठक हुई और 3 गुना अनुदान बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई। चुनाव और पेशा रूल के बिना भी झारखंड की पंचायतों को मिलेगा केंद्रीय अनुदान। चुनाव नहीं होने और पेशा रूल नहीं बनने के बावजूद केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को अनुदान देने का फैसला किया है। इस फैसले के आलोक में पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 261.40 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं कराने और पेशा रूल नहीं बनाने वाले राज्यों की पंचायतों के 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की राशि बंद करने की चेतावनी दी थी। साथ ही इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया था। पीएम मोदी 13 जनवरी को नहीं आएंगे झारखंड, धनबाद दौरा स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 जनवरी को धनबाद दौरा स्थगित हो गया है। प्रधानमंत्री सिंदरी के हर्ल कारखाना का उद्घाटन करने आने वाले थे। प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित होने की सूचना मिलते ही धनबाद, गिरिडीह एवं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रमुख नेताओं का रविवार को धनबाद में होने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गई है। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार की रात धनबाद पहुंच चुके थे। बता दें, इस बैठक को बाबूलाल के अलावा संगठन महामंत्री करमबीर सिंह एवं केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री व कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मुख्य रूप से संबोधित करने वाली थी। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी सब जोनल कमांडर समेत 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के सब जोनल आदेश कुमार उर्फ प्रभाकर सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 0.315 की राइफल, 2 देसी पिस्तौल, 8 राउंड जिंदा गोली, 1 एयर पिस्तौल, 6 मोबाइल, 2 धारदार चाकू, 18 पीस नक्सली पर्चा, 1 मार्कर व काला एवं चितकबरा रंग का बैग बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में आदेश कुमार के अलावा लालदेव गांजू, पिट्टू कुमार एवं राजेश कुमार शामिल हैं। चेन्नई से लौटे राज्यपाल, फिर बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार को देर शाम चेन्नई से रांची वापस लौट आए हैं। उनकी रांची वापसी के बाद सोमवार से एक बार फिर झारखंड की राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ सकती है। संभावना यह जताई जा रही है कि राजभवन की गतिविधियां भी तेज हो सकती है। राज्यपाल 2 जनवरी को चेन्नई चले गए थे, जिसके बाद झारखंड की सियासी सरगर्मी में थोड़ी कमी आई थी। अब राज्यपाल के वापस लौटने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां बढ़नी तय है। झारखंड विधानसभा की गांडे सीट पर उपचुनाव कराने या नहीं कराने को लेकर भी क्रमशः सत्ता पक्ष तथा विपक्ष राजभवन जा सकता है।
रांची में खादी मेले का सीएम हेमंत ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन किया है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि खादी सिर्फ पहनावा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी होने का परिचायक है। उन्होंने कहा है कि हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि खादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। बापू ने देश दुनिया में खादी को पहचान दिलाई, हमें भी खादी से जुड़ना चाहिए, तभी हम अपने पारंपरिक स्वदेशी व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज तकनीक का जमाना है, भौतिकवादी जमाना है, हम मशीनों के साथ जी रहे हैं, बावजूद इसके हमने अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ा। खादी एवं सरस महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है। रांची पहुंची न्यूजीलैंड की महिला हॉकी टीम। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाली FIH ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए टीमों का आना जारी है। रविवार की शाम न्यूजीलैंड की महिला टीम रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत झारखंडी नृत्य संगीत के साथ किया गया। महिला खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर रांची की धरती पर स्वागत किया गया। बता दें, न्यूजीलैंड की महिला हॉकी टीम के स्वागत के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खास तैयारी की गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ झारखंड के लोक कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए खिलाड़ियों का स्वागत किया। झारखंड के पारंपरिक नृत्य से मेहमान खिलाड़ी इतने खुश हुए कि खुद को नृत्य करने से नहीं रोक पाए। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता अमर बावरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी देश से गरीबी मिटाने पर ध्यान ही नहीं दिया, गरीबों का भला करना उनकी प्राथमिकता कभी थी ही नहीं। अमर बावरी ने कहा है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने का काम किया। वह राजधानी रांची के नामकुम स्थित चटकपुर में कार्यकर्ता मिलन सह सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। धनबाद में BCCL के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल। BCCL ब्लॉक 2 अंतर्गत 3 क्यारी नद खुरकी बेनीडी और जमुनिया कोयलरी में हजारों असंगठित मजदूरों में प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। हजारों असंगठित मजदूर कोयला DO की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। बता दें, उनका कहना है कि रोड सेल कोयला DO ऑफर BCCL प्रबंध द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। उन्होंने BCCL प्रबंध को जल्द मजदूर हित में कोयला उपलब्ध कराने की मांग की है। कोयला DO की मांग को लेकर तीनों कोयलरी के मजदूर ने तुर्ती पहाड़ी अंबेडकर चौक से BCCL क्षेत्रीय कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला, BCCL प्रबंध के खिलाफ नारेबाजी की, क्षेत्रीय कार्यालय में मजदूर प्रदर्शन किए। वही मजदूरों ने कहा है कि तीनों कोयलरी के 1800 मजदूर BCCL की दोहरी नीति के कारण भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उन्हें 8 जनवरी को तीनों कोयलरी का चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। झारखंड मौसम। रविवार को राजधानी रांची कोहरे की चादर से ढक गई। सुबह 9 बजे तक कई इलाकों में 10 से 15 मीटर की दूरी तक भी विजिबिलिटी नहीं थी। इधर कई जिलों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 10 और 11 जनवरी को झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से करीब करीब आधे झारखंड में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से 10 जनवरी को कई हिस्सों में बारिश होगी। इधर 2 दिन पहले आए पश्चिमी विक्षोभ का असर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में रहा। गढ़वा में 28, बरही में 13, हजारीबाग और तिलैया में करीब 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजधानी के नामकुम वाले इलाके में भी पिछले 24 घंटे में करीब 10 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। धन्यवाद।